इस तरह आलू बैंगन की सब्जी आप घर में बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट के खाएंगे। बैंगन की सब्जी बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होती, लेकिन आप इस तरह से आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे तो बच्चे बिना भूख लगे भी चपाती, पूड़ी या चावल किसी के भी साथ खा लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। ये देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। हम इस पे 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। इस टाइम पे हम तेल में आलू फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक एक कर डालते हुए सभी आलू को गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। आलू डालते समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे सभी आलू को डाल करके हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और आलू में हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सभी आलू को प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसी तेल में या बचे हुए तेल में बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बैंगन को इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। बैंगन को भी इसी तरह एक एक कर तेल में डालते हुए सारे बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई में सारे बैंगन डाल दिया है। बैंगन को इस तरह चलाते हुए या पलटते हुए शैलो फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर बैगन पे ना आ जाए। बैगन को भी हाई फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बैगन पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और अब बचे हुए तेल में हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तेल में हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें 2 इस तरह लंबे टुकड़ों में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और 1 सूखी मिर्च डालेंगे। और अब इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1 तेज पत्ता तोड़कर डालेंगे, 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को इस तरह चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल करके भी इस तरह चलाते हुए हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 2 टमाटर को मिक्सर में डाल के 3 से 4 सेकंड के लिए चलाते हुए दरदरा ग्राइंड कर लिया है। टमाटर को भी इस तरह मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए टमाटर को भी भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब सभी मसालों को इस तरह प्याज,
टमाटर के साथ मिलाते हुए भून लेंगे। हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए मसालों को इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए मसाले हमारी अच्छी तरह भून गए हैं। और अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। पानी डालकर मसालों को पानी में इस तरह मिला लेंगे। और अब ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, हम इसे ढक करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारा अच्छी तरह पक गया है और ग्रेवी से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हम इसे एक बार मिला लेंगे। इस टाइम पे हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालकर सब्जी को मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन डालकर सब्जी को एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे। हम इसे एक मिनट के लिए इस तरह मिलाते हुए भून लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जी में एक कप पानी डालेंगे। पानी डालकर आलू बैंगन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। आलू को दबाते हुए चेक कर लेंगे और सब्जी को एक बार फिर से मिला लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सब्जी को एक बार फिर से मिला लेंगे जिससे गरम मसाला सब्जी में अच्छी तरह मिल जाए। और सब्जी को हम ढक कर एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी को ढके हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए सब्जी हमारा कितनी अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालकर सब्जी को एक बार फिर से मिला लेंगे। और चलिए अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार